दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी है। चाहे सिंघू हो या टीकरी बॉर्डर, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पुलिस ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर की हैं, जहां पुलिस किसान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सीमेंट की बैरिकेडिंग बना रही है। सोशल मीडिया पर यह देखकर लोगों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। चूंकि ये आंदोलन कितना चलेगा ये किसी को पता नहीं, लिहाजा तैयारियां भी लंबे समय तक रुकने के हिसाब से की जा रही हैं। वही सिंघू बॉर्डर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर सामने आई। 26 जनवरी के उपद्रव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पिकेट्स पर ऐसे नुकीले तार लगाए हैं जिससे कोई भी शरारती प्रदर्शनकारी काबू से बाहर ना जा सके। गाजीपुर बॉर्डर को जाने वाले नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 पर पुलिस का सख्त पहरा है, बाड़ेबंदी घेराबंदी है, दो सिक्योरिटी लेयर के साथ साथ जो कंक्रीट के सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। आप इन कटीले तारों को देखिए, जिनको देख करके आपको अंदाजा होगा कि आप किसी सीमा पर हैं, किसी दो देशों के बीच का ये बॉर्डर है, लेकिन ऐसा नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की घेरेबंदी आप देखिए, दरअसल दो लेयर बैरिकेड्स हैं और उसके बाद अलग अलग सीमेंटेड बैरिकेड्स के साथ साथ कटीले तारों को यहाँ पर जोड़ा गया है। दिल्ली से गाजियाबाद को जाने वाले नेशनल हाईवे 9 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम रिटेलिएटरी व्हीकल्स के साथ साथ डीटीसी की तमाम बसों को यहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा कई लेयर्स का सुरक्षा घेरा हर बॉर्डर पर पुलिस ने बना रखा है। कुल मिलाकर प्रशासन भी इस बीच कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता, लिहाजा तैयारियां भी आने वाले वक्त को ध्यान में रखकर की जा रही हैं। दिल्ली तक ब्यूरो।